করবা चांद्रा थोड़ा आपकी ड्यूटी क्या है सर यही बता दीजिए ड्यूटी छोटे भाई ड्यूटी है सर ये आपके कर्मचारी थे 7 बजे ड्यूटी पे जा रहे थे नहीं जा रहे थे ऑन ड्यूटी थे सर भाई दिक्कत ठंडे गोंडा में पीआरडी जवान की मौत पर हुआ जमकर हंगामा परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम बीती रात साइकिल से आते हुआ था जवान का एक्सीडेंट अज्ञात वाहन ने पीआरडी जवान को मारी थी टक्कर टक्कर के बाद घायल पीआरडी जवान सड़क पर पूरी रात पड़ा रहा दर्द से कराते पीआरडी जवान को नहीं मिली मदद इलाज न मिलने के कारण जवान की सड़क पर हुई दर्दनाक मौत सुबह पीआरडी जवान का शव झाड़ियों में मिलने के बाद नाराज परिजनों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की अंत में पीआरडी जवान का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ये पूरा मामला कोतवाली मनकापुर के जिराही रोड का है थोड़ा आपकी ड्यूटी क्या है सर यही बता दीजिए ड्यूटी ड्यूटी है सर ये आपके कर्मचारी थे 7 बजे ड्यूटी पे जा रहे थे नहीं जा रहे थे ऑन ड्यूटी थे सर भाई दिक्कत ठंडे सरकार ने 8 गाड़ी कम से कम इस रोड पे 100 नंबर चला रखे हैं उसके बाद ये फिर पता चला कि कैसे क्या हुआ ऐसी कोई बात नहीं अगर होता तो हमारे अंदर डायल नहीं बात क्या ऐसी कोई बात नहीं तब नई बात क्या हुआ आप बता दीजिए नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कोई मानवीय संवेदना है परिवार है हमारा ऐसा नहीं वो तो हम ही करके क्या उखाड़ ले सर अब क्या उखाड़ ले अब ये करके कुछ कर पाएंगे संवेदना करके हम कुछ कर पाएंगे नहीं नहीं तो अब आप क्या ये बताएं मुझे सर सर आप क्या कर रहे हो नहीं गलती आपकी नहीं लेकिन प्रशासन मौन है नहीं भाई मौन नहीं है सर अरे भाई ऐसी बात नहीं है सर भाई छोटे भाई ऐसी बात हम 100% पर कह रहे हैं ऐसी बात क्या मुझे गाड़ी बच कर खाली घूमा था बगैर भले मर तो ये नहीं हमारे अंदर खाली घूमा था हमारा हो जाता कोई अरे लेकिन माइक का माइक था सर पार्टी की मेरी बात सुनो जनता अरे माइक मान लेने का भाई इनोसेंट क्या नाम है इनका राम गुलाम पाठक नाम है ये कहाँ जा रहे थे ये ड्यूटी पे जा रहे थे पीआरडी जवान है और शाम को ड्यूटी पे निकले थे कैसे हुई ये घटना जानकारी है घटना एक्सीडेंटल दिख रही है दोनों पहलू दिख रहा है क्योंकि चोट कुछ ऐसी है नहीं कि जिसमें एक्सीडेंट माना जाए दोनों पहलू दिख रहा है लेकिन एक चीज़ भी समझ में आता है कि इनका बहुत सीधे साधे सज्जन आदमी किसी से कोई वैर भाव भी नहीं था सस्पेंस है शाम के घटना अगर तत्काल घंटे दो घंटे में इनको इलाज मिलता तो ऐसी घटना नहीं घटती सड़क जाम करने का कारण सिर्फ यही है कि इनके विभागीय अधिकारी अभी तक बिल्कुल कान बंद किए हुए हैं आए नहीं कोई फ़ोन भी नहीं उठाया शुरू में वही हो रहा है कि विभागीय लोग इसको संज्ञान में ले नहीं पहुँचे तो सूचना क्यों नहीं दिया उन्होंने घर पर कि हाँ वो नहीं आए है ना सूचना तो देना चाहिए कि वो ड्यूटी घर निकले तो आए क्यों नहीं